ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अटकलें लग रही है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रोने लगे तो फिर वो नेतृत्व क्या करेगा? जीत को भी हंस के गले लगाना है और हार को भी हंस के गले लगाना है, दोनों ही मिलता है हार या जीत। लेकिन 2024 में जो है ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी चूंकि जितने बहुत बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए भाजपा चाहती है कि आप उनके साथ आएं, तो आप जाएंगे? हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लोकसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे, अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और लड़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो आपकी मुलाकात भी तो बीच में हुई थी, चुनाव से पहले आप स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए थे, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से भी आपकी मुलाकात कई बार हो चुकी है, तो मुलाकात के मायने क्या? आप कह रहे हैं दिल्ली मुलाकात नहीं, लेकिन इन मुलाकात का क्या मायने? नहीं देखिए, आप लोग उस समय भी कयास लगा रहे थे कि भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन मैं कहा था कि मैं देखिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हूँ और रहूँगा। मिलना क्या है? मिलने के लिए हम स्वतंत्र देव जी से भी मिलते हैं, हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैं मिला, दयाशंकर जी से मिला, ब्रजेश पाठक जी से मिला, हम दिनेश सबसे में संबंध है अपना, हम लेकिन मिलकर गुजिया तो खाई नहीं होगी ना, कुछ तो बातचीत हुई होगी। मिला ही नहीं, न बना न मिला। हम असल बात कि हम 10 दिन से लखनऊ हैं और न गुजिया कोई खिलाया न मैं खाया। लेकिन मुलाकात हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कोई ये जो खबर चल रही है गलत खबर है। अच्छा, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? साथ में? अरे हम चल रहे हैं अपने ऑफिस में, कहाँ जाएंगे। अच्छा, 28 तारीख को क्या कार्यक्रम है गाजीपुर में? आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? 28 तारीख को रामनाथ यादव जी की मूर्ति का अनावरण है, हम लोग एक मंच पे रहेंगे। आप अखिलेश अखिलेश जी भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे, मतलब हमारे पार्टनर रहेंगे, नहीं रहेंगे कहाँ जाएंगे। लेकिन केशव देव मौर्य तो अलग से सुर अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है मौर्य जी को भेज दिया था बीजेपी ने इधर, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर भी कि आप बीजेपी चले गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मेरे साथ इस वक्त कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार जो है सियासत जो है गर्म है, और इस बीच अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर जो है मना कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार ये चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर क्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।